Radha Swami. आपने दो शब्द सुने हैं, एक में प्रशंसा है सदगुरु की और दूसरे में कबीर साहब का बताया है कि अपने घूंघट आपने पहने हुए घूंघट बड़े तरह के हमारे अंदर हैं, बहुत तरह के घूंघट हैं, इस पर मैं पहले बोल चुका हूँ। आज तो एक नया शब्द आपको मैं सुनाने लगा हूँ। दुनिया में, इस संसार में, जब से संसार बना तब से इंसान दुखी है, चाहे वो सतयुग था, चाहे वो त्रेता था, चाहे वो द्वापर था। आप इतिहास देखो, द्वापर की कहानियाँ सुन लो, त्रेता की कहानियाँ सुनो, राजा दुखी, प्रजा दुखी, कोई सुखी नहीं था। तो उनके दुख को दूर करने के लिए, उनको ठीक रास्ता बताने के लिए इस देश में ऋषि आए, संत आए, महापुरुष आए, गुरु साहबान आए, तरीका बताने के लिए भी तुम इस दुनिया में सुख से कैसे रह सकते हो, यही है ना। तो भारत में जो महानता है वो गुरु मत की है या संत मत की है, दूसरे मुल्कों में नहीं है। एक केवल भारत ऐसा देश है जिसमें गुरु मत की और संत मत की महानता है। लेकिन दुर्भाग्य ये है कि इतनी महानता होते हुए भी हमारे पास इतने उच्च कोटि के शास्त्र हैं, हमारे पास स्मृतियाँ हैं, हमारे पास श्री गुरु ग्रंथ साहब जी महाराज हैं, फिर भी हम दुखी हैं। कारण क्या है? तो मैं कारण आज आपको बताने लगा हूँ, जिसका सवाल हमारे कबीर साहब ने कहा है कि गुरु देता क्या है। जो गुरु देता है दुनिया उसको लेती नहीं है। सबसे पहली बात तो ये है, दुनिया जो गुरु देना चाहता है उसके देने में सब कुछ है, जो वो देता है उसमें सब कुछ है। लेकिन दुनिया एक चीज़ मांगती है कि ये मिल जाए, वो मिल जाए, वो मिल जाए। इस भेद को दुनिया ने नहीं समझा। तो आज मैं आपको श्री अपने कबीर साहब का एक शब्द है, गुरु क्या देता है, या दूसरे शब्दों में मुझे मेरे सतगुरु बाबा की से क्या मिला। सवाल तो ये है, मुझे क्या दिया उन्होंने, मुझे क्या मिला, जो दिया वो क्या था वो मैं बताने जा रहा हूँ। जिसने मेरे जीवन को सुखी बना दिया, जिसने मेरे जीवन के सभी भ्रमों को दूर कर दिया, जिसने वो दिया, जिसने मुझे मेरे घर का पता दे दिया कि तू वास्तव में है क्या। बड़ी बात समझ रहे हो? तो आज मैं वो शब्द ले रहा हूँ जो तीन दिन से मेरे दिमाग में गूंज रहा है, तीन दिन से। इसको मैंने कहा मुझे वो शब्द सुना, कल भी सुना मैंने, पहले भी एक दिन सुना, तो आज मैं वो शब्द लेने लगा हूँ। गुरु के समान दुनिया में कोई दाता नहीं है, कोई दाता नहीं है। एक गुरु है जो देता है, और वो देता है कुछ लेता नहीं। बात मेरी समझ गए? वो देता है लेता कुछ नहीं। पहली पहचान तो ये है, वो तुम्हारे दुख को भी लेता है। दुख को लेता मतलब ये नहीं कि उसने तुम्हारा दुख अपने आप ले लिया, वो दुख को दूर करने का तरीका बता देता है। लोगों में ये वहम है कि गुरु बीमार हो गया, क्यों हुए जी गुरु बीमार, लोगों के पाप ले लिए उन्होंने। झूठ है, कोई किसी का कर्म नहीं ले सकता, चाहे कोई संत है, चाहे कोई परम संत है, चाहे कोई गुरु है, चाहे कोई साधु है। जिसने जो किया वो उसका फल भोगेगा, वो खुद भी भोगेगा और उसका शिष्य भी भोगेगा। इसलिए क्या नाम है हमारे स्वामी जी महाराज लिख दिया, गुरु स्वार्थी लालची चेला, दोनों नरक में ठेलम ठेला, दोनों ही गए, क्योंकि दोनों ही अपने अपने मतलब में एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं। तो आज मैं आपको असलियत बताने जा रहा हूँ, सुनिए, थोड़ा सा पानी दे पढ़ो। गुरु समान नहीं दाता जग में, गुरु समान नहीं दाता। उसके दाता कौन होता है? जो देता है, लेता नहीं है, वो है दाता। जो देता नहीं है लेता है, वो दाता कैसे हो सकता है? और देने की तीन चीजें हैं, एक है स्थूल, स्थूल चीज, कोई जैसे कपड़े, मैंने बेची लाई कपड़े मेरे को आगे रख लिए, ये गुरु को नहीं चाहिए। अगर वो गुरु है तो क्यों, उसके पास क्या कमी है क्या?
लेकिन प्रेम की कदर करता हूँ मैं, प्रेम की कदर करता हूँ। एक है स्थूल चीज़ देना, पैसे दे दिए, हार चढ़ा दिया, कपड़े दे दिए, बात समझ गए ना, खाना अच्छा खिला दिया, ये एक और परंपरा है, ये हमारी सभ्यता है, ये होना चाहिए, इसका मैं विरोध नहीं करता। एक है सूक्ष्म चीज़ देना, सूक्ष्म क्या देना, अपने ख्याल छोड़ देना, गुरु की बात पर चलना, जो उसने कहा अपने ख्याल छोड़े, जो गुरु ने कहा उस पर चलना, दुनिया जो गुरु कहता उस पर तो चलती नहीं, अपना ही ढिंढोरा पीटती रहती है या गुरु की सिफ्त करती रहती है, गुरु ये करता है, गुरु कुछ नहीं करता, तुम करने वाले हो। मैं बाबा फकीर की जगह से बोल रहा हूँ, जिन्होंने ढिंढोरा पीटा कि मैं कुछ नहीं करता, जो कुछ है तुम्हारा अपना विश्वास करता है, बात समझ गए। तो ये विश्वास नहीं है तो कुछ भी नहीं है। दुनिया में दो चीज़ें हैं, एक आस और दूसरा विश्वास। आस रखो, उसको तोड़ो मत, एक आस और एक विश्वास, जो चाहोगे कुदरत आपको देगी देगी देगी। अगर तुम डावाडोल हो गए तो कुदरत हाथ पीछे हटा लेती है, बात समझ रहे हो मेरी। मांगो, उस पर फिर हो जाओ, फिर उसको बदलो नहीं जब तक तुम्हें वो चीज़ मिल ना जाए। क्या कहा मैंने, तो आगे क्या कहते हैं, अब वो दाता क्या देता है, जो मुझे दिया वो मैं बताने जा रहा हूँ आज आपको। किसी की क्या बात बताऊँ, मुझे क्या पता किसी को कौन कुछ देता है गुरु, मैं किसी के पास गया ही नहीं, कहानियाँ जरूर सुनता हूँ कि वो ऐसा करते हैं ऐसा करते, कोई कुछ नहीं करता। ये जो आज बात कहने लगा हूँ इसको गौर से सुनना चोपड़ा साहब, सुनो क्या कहते हैं, क्या देते हैं गुरु। गुरु समान नहीं दाता जग में, गुरु समान नहीं दाता, बस तू अगोचर दई सतगुरु ने, बस तू अगोचर दई सतगुरु ने, भली बताई बाटा, भली बताई बाटा जग में, गुरु समान नहीं दाता। अब मेरी बात को बहुत गौर से सुनना, वो कहते हैं अगोचर वस्तु दी। अगोचर वस्तु क्या होती है, जो नजर नहीं आती, गो गोचर अगोचर, एक गो नजदीक, गोचर दूर तक, और गोचर जो नज़र नहीं आती। गुरु ने वो चीज़ दी जो नज़र नहीं आती, और फिर क्या बताया, भली बात बताई। कौन सी बात बताई, मेरे सदगुरु बाबा फकीर जी ने जो मुझे बताया वो मैं आपको बताने जा रहा हूँ, और क्यों बताई वो भी मैं आपको बता देता हूँ। दो बूटी पीने, दो बूटी पीने, पीलू 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 सारी पीलू, हाँ जी। सुखी रहो बेटा, पहली बात, गुरु के पास जाओ, जिसको भी मानते हो उनसे सवाल पहले मत करो, उनको सुनो। पहली बात सुनो क्या कहते हैं, ध्यान से सुनते जाओ और उनको अपने अंदर उतारते जाओ, उसके ऊपर चिंतन करते जाओ और अपने अंदर उतारते जाओ, एक बात। फिर जब कभी तुम्हारे अंदर एक सवाल पैदा हो, कभी होगा होगा, क्योंकि गुरु की वाणी आपने सुनी हुई है, वो बताते शिव संकल्पमस्तु। गुरु क्या कहता है, शिव संकल्पमस्तु, हमेशा नेक ख्याल रखो। इसका मतलब यही है ना, आशावादी ख्याल रखो, नेक ख्याल रखो, दूसरों का भला चाहो, ये है पहली बात। आपको पता लग गया कि गुरु जी ने यह कहा कि शिव संकल्प रखना, अच्छा विचार रखना, बुरा विचार नहीं रखना, नेगेटिव नहीं सोचना, हमेशा सबका भला चाहना, यही हमारे शास्त्र कहते हैं, यही श्री गुरु ग्रंथ साहब जी महाराज कहते हैं। लेकिन कभी कभी तुम्हारे मन में ख्याल ऐसा आएगा, फिर तुम्हारे मन में ख्याल ऐसा आएगा जिसको तुम पहचान जाओगे कि ये ख्याल अच्छा नहीं,
मेरी बात समझ रहे हो? तुम्हारे अंदर ऐसा सवाल कोई ना कोई ख्याल आएगा जो मेरे अंदर पैदा हुआ। मेरे अंदर ख्याल कुछ ऐसे पैदा होने लगे जिनको मैं नहीं चाहता था। मैं उन ख्यालों से दुखी होने लगा तो मैं हजूर बाबा फकीर जी महाराज के चरणों में गया, हाथ जोड़े। महाराज पिताजी, मुझे कभी कभी ऐसा ख्याल आ जाता है जिसको मैं नहीं चाहता, मैं दुखी हो जाता, भली बात बताने लगा हूँ जो मेरे साथ बीती, मुझे नहीं बाकी को पता, क्योंकि जो गुरु ने मुझे दिया वो मैं बताना है। तो महाराज जी हुक्का पी रहे थे, मेरी बात को ध्यान से सुना और हुक्का किया बंद। फिर मुझे कहने लगे, देख बेटा तू तो नौजवान है, 1969 की बात है, आप में से कई पैदा भी नहीं हुए होंगे, 1970। तो मैं बूढ़ा हो गया हूँ बेटा, मुझे भी ऐसे कई दफ़ा ख्याल आ जाते हैं जिनको मैं नहीं चाहता हूँ। मेरे चेहरे पर थोड़ा फर्क पड़ गया, क्योंकि महाराज ने भी कहा कि मुझे भी ऐसे ख्याल आते हैं, मेरे सदगुरु को भी ऐसे ख्याल आते हैं, अंदर मन में ख्याल पैदा हुआ। तो मेरे सदगुरु ने दोबारा मुझे कहा कि देख बेटा तू बड़ा भाग्यशाली है, ये उनके शब्द मैं बोल रहा हूँ, तू बहुत भाग्यशाली है कि तुम्हें पता लग जाता है कि ये ख्याल अच्छा नहीं। अगर तुम्हें ये ख्याल ना आए तो तू बुरा ख्याल लेता रहेगा, लेता रहेगा, लेता रहेगा, तू बुरा कर्म कर बैठेगा। तुम किसी ख्याल को ले लो, उसको बार बार सोचो, बार बार सोचो, बार बार सोचो, तुम्हारा हाथ भी काम करने लग जाएगा, तुम्हारी आँख भी काम करने लग जाएगी और तुम्हारी जबान भी काम करने लग जाएगी, है ना? ख्याल नहीं हरकत देनी है आपको। तो तू बड़ा भाग्यशाली है बेटा कि तुम्हें इस पता लग जाता है कि जिज्ञास ठीक नहीं है। मैंने कहा अरे पिता आपकी कृपा है, ये आपकी कृपा है। फिर मुझे उन्होंने एक बड़े तरीके से समझाया, भली बात बताई, भली कहा ना, भली बताई बात जो नज़र नहीं आती। कहते बेटा तूने कोई पौधा लगाना घर में, क्या करोगे? तो मैं हाथ जोड़े हुए ऐसे, क्योंकि मेरे मालिक बोल रहे हैं, बोला नहीं। मैं कहा पिताजी मैं खड्डा खोदूंगा, फिर क्या करेगा? फिर मैं पिताजी उसमें खाद डालूंगा, फिर क्या करेगा? फिर मैं अपने मनपसंद का उसमें पौधा लाऊंगा। कैसा पौधा, फूल वाला या फल वाला? महाराज जी मौके के मुताबिक फल वाला भी लगा लूँगा तो फूल वाला भी लगा लूँगा। अच्छा फिर क्या करेगा? फिर मैं पिताजी उसके चारों तरफ बाड़ करूँगा ताकि उसको कोई जानवर ना खा ले। बहुत अच्छा बेटा, फिर क्या करेगा? मैं कह पिताजी मैं उसको सुबह शाम पानी दूंगा, देखूंगा ताकि वो बड़ा हो जाए। बहुत अच्छा, अगर तो उस पौधे को पानी ना दे और उसकी देखभाल ना करे कुछ दिन तो फिर क्या होगा? मैं कह पिताजी वो पौधा सूख जाएगा, वो पौधा सूख जाएगा। बस बेटा उस ख्याल को जिसको तू समझता ठीक नहीं उसको पानी नहीं दे। बात को पकड़ा? कितनी बड़ी बात कह दी, जिसने मेरी जिंदगी को बदल दिया। ख्याल आते हैं, बाबा फकीर सामने आ जाता है, ओए क्या सोचा तूने, तुम्हें क्या कहा था? मेरी बात समझ रहे हो? गुरु हमेशा तुम्हारे साथ है। तू समझते हो कि होशियारपुर में बैठा है या कहीं और बैठा है, वाणी के रूप में गुरु तुम्हारे पास है। जो उन्होंने कहा वो भली बात है। दूसरी बात सुनो, दूसरी बात क्या है कि मैं पहले भी बता चुका हूँ लेकिन आज क्योंकि गुरु भली बात बता रहा है मैं वो कहने लगा। यहाँ महावारी सत्संग हुआ तो यहाँ दो प्रोफेसर बैठे हैं यहाँ, और बाकी चले जाते थे, प्रसाद लिया दुनिया चली जाती थी, लेकिन मैं नहीं जाता, मैं बाद में सबके बाद में जाता था क्योंकि मेरी बस 4 बजे जाती थी जहाँ मैं रहता था। तो उन्होंने कोई प्रोफेसर आपको पता ज़्यादा बोलते हैं, बातें सवाल बड़े करते हैं ना, मेरी भी आदत होती थी लेकिन वो अब बंद हो गई, अब मैं बगैर मतलब के नहीं बात करता, बच्चों के साथ बोलना पड़ता था। तो उन्होंने रमन ऋषि की बात शुरू कर दी, रमन ऋषि। तो क्योंकि मैं भी तो कॉलेज में था, मैं भी रमन ऋषि को पढ़ता था, पढ़ा हुआ था, महापुरुषों की बातें पढ़ लेता था, तो मैं भी बोल पड़ा। महाराज जी ने उनको कुछ नहीं कहा, मुझे कहा, क्या कहा? भली बात,
भली बात मुझे क्या कही, क्या बेटा तू भी किताबें ऐसी पढ़ता है? मैं कह पिताजी मैंने भी पढ़ी है, मैंने भी पढ़ी है। आपने कोई किताब नहीं पढ़ना, तुमने आलम नहीं बनना, आलम जानते पढ़ा लिखा, तूने आमिल बनना है, आमिल। और उसको बनने के लिए तुम्हें मन की किताब पढ़ा कर, अपने मन की किताब पढ़ा कर। भली बात बता दी, ले इतनी बड़ी किताब मुझे दे दी मेरे बाबा ने, वो ख़त्म ही नहीं होती। अपने मन को देखो तो, सुबह से लेकर शाम तक कैसे कैसे ख्याल आते हैं, क्या क्या तुम सोचते हो। तो उस बात ने, हजूर की उस बात ने मुझे मजबूर किया कि पहले मन को समझूं, मन क्या है, फिर उसकी किताब समझ आएगी। तो मन कहाँ है? मेरे शरीर में, मेरे शरीर में ही है ना। तो शरीर से ख्याल निकालता है, तो इसको कहा तू बाहर की दुनिया छोड़, तो अंदर की तो देख ले पहले तू की है। मेरी बात को पकड़ो, मैं क्या कह रहा हूँ। मैंने अपने मन को, अपने आप अंदर जो हो रहा है उसको देखना शुरू कर दिया, और वो मेरी किताब बन गया। और उसको देखते देखते मुझे पता चला कि मैं शरीर में हूँ, लेकिन शरीर के ऊपर मेरा कोई कंट्रोल नहीं है, मेरा कोई कंट्रोल शरीर पर नहीं है। मैं खाता ज़रूर हूँ, मैं पीता ज़रूर हूँ, और मुझे नहीं पता वो कैसे पच रहा है, मुझे नहीं पता उसका खून कैसे बन रहा है, मुझे नहीं पता दिल मेरा कैसे धड़क रहा है, मुझे नहीं पता मेरी नब्ज़ कैसे चल रही है, और मुझे ये भी नहीं पता कि सांस कौन ले रहा है। चोपड़ा जी मेरी बात को पकड़ा, तो देखते देखते पहुँचते पहुँचते कहाँ पहुँचा कि वो कमलिया, वो बाबा जी ने जो बात कही वो तो है, तू मन की किताब पढ़। तो मन ने देखा बे, जब तू अंदर कुछ नहीं कर रहा था बाहर की कर सकता? ओह, जब तू अंदर कुछ नहीं कर रहा अश्विनी, तो बाहर तू क्या करेगा? जिसने अंदर तेरा संभाला हुआ है वो तेरा बाहर भी संभाल रहा है। क्या कहा मैंने, फिर सुना देता हूँ, पक्का कर देता हूँ तुम्हें। और क्या पढ़ा, और क्या पढ़ा? हुजूर ने फरमाया, जो ब्रह्मंडे सोई पिंडे, जो ब्रह्मंडे सोई पिंडे, ये श्री गुरु ग्रंथ साहब जी महाराज में भी वाणी है। अब जो कुछ भी ब्रह्मंड में है वो तुम्हारे शरीर में है। ब्रह्मंड किस चीज़ का बना है? ये सारा ब्रह्मंड देखो, नीचे जमीन, जमीन है, जल है, अग्नि है, सूर्य है, हवा है, और क्या है, आकाश है, पाँच ही चीज़ें हैं ना। तो पांच चीज़ों से हमारा शरीर बना है, बना कि नहीं बना? इस बड़े 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 ब्रह्मांड में ये छोटा सा ब्रह्मांड है, ये छोटा सा ब्रह्मांड है। अब उस बड़े ब्रह्मांड को जमीन चल रही है, सूर्य के किरण चल रही है ना, दिन में एक दफ़ा सूर्य के गिर्द घूमती है, और साल में सूर्य के गिर्द एक चक्कर पूरा करती है, ये साइंस कहती है, यही है ना। ऐसे ही चांद है, सितारे हैं, सब कुछ ब्रह्मांड में। हवा चलती है, बारिश चलती होती है, वो भूचाल आते हैं, वो तो हमारे कर्मों के कारण आते हैं। तो कुदरत ने इसको सारे को उस मालिक ने चलाया हुआ है। मानना पड़ेगा कि इस ब्रह्मांड को चलाने वाली कोई हस्ती है ना। चाहे उसको वाहेगुरु कह लो, चाहे उसको अल्लाह कह लो, चाहे उसको खुदा कह लो, चाहे उसको गाड कह लो, चाहे उसको परमेश्वर कह लो, चाहे उसको राम कह लो, चाहे उसको रहीम कह लो, चाहे उसको भगवान कृष्ण कह लो, जड़ा मर्जी नाम दे दो, उसका नाम तो कोई है ही नहीं, उसका नाम नहीं है, हमने नाम रखा उसका। तो इस सारे ब्रह्मांड को कोई हस्ती चला रही है, तो ये उसका छोटा नमूना है, ये छोटा नमूना है। जो ब्रह्मांड है वो ये है, तो अगर उसको कोई हस्ती चला रही है, तो मेरे सुनने वाले प्यारे सत्संगियों, बाबा फकीर के दरबार में बैठे हो, तो इस ब्रह्मांड को भी कोई हस्ती चला रही है। और वो कौन है? वो तुम्हारे अंदर है, वो बाहर नहीं है, न मंदिर में, न मस्जिद में, न कहीं और है, वो तुम्हारे अपने अंदर है। मैं न काशी, मैं न मथुरा, मैं न गिर कैलाश हूँ, मैं तो
तू रख मेरा विश्वास, मैं तो तेरे पास हूँ। मेरी बात समझ गए? तो भली बात मेरे दाता ने क्या बताई मुझे कि बच्चा तूने और कोई किताब नहीं पढ़नी, मन की किताब पढ़नी। ओ मेरे सुनने वाले हो, मैं जितने मन की किताब पढ़ी वो बाबा ने सारे सवाल ही खत्म कर देते। क्या कहा? तभी तो कबीर साहब ने कहा मेरा मुझ में कुछ नहीं। मैं समझ गया कबीर को, कबीर ने क्यों कहा मेरा मुझ में कुछ नहीं, जो कुछ है सो तेरा, तेरा तुझको सौंपते क्या लागे मेरा। शरीर बनाने में मेरा कोई हाथ नहीं है, माँ के गर्भ में मुझे पालने वाला मेरा कोई हाथ नहीं है। बाहर मैं खाता हूँ, पीता हूँ, देखता हूँ, सुनता हूँ, चलता हूँ, फिरता हूँ, मुझे पता ही नहीं कौन हस्ती काम कर रही है। हाँ, जब मन में आता हूँ तो दुख जरूर होता है, मन दुखी करता है, मन ही सुख देता है, मन ही दुख देता है, और वो दुख तुम्हारे अपने कर्म के अनुसार और तुम्हारे अपने ख्याल के अनुसार होता है, और वैसे नहीं है। वैसे कुदरत में कहीं दुख नहीं है। क्या कहा मैंने? तो क्या भली बात बताई? एक तो ये बात भली बता दी मेरे सर को, तीसरी बात क्या भली बताई वो भी मैं बता देता हूँ। वो तीन सच्चाइयाँ हैं, सत्य, सच्चाई, हकीकत और असलियत। ये भी मेरे दादा ने 1980 में मुझे इस छोटे कमरे में बताई। जब मैं उनको मिलने के लिए गया घर वापस जाने के लिए हमीरपुर, और मैंने अर्ज की मेरे दादा जी आप, क्योंकि वो 79 में भी मेरे पास गए थे, तो 80 में भी मैंने गोपाल दास होते थे तो मेरे को कहते कमल जी महाराज जी का प्रोग्राम बनाओ, अगस्त आ गया, अम्बाला समय है, चलेंगे वह आपके पास। तो मैं चला गया अंदर, मैं प्यारा था, मेरे को प्यारे थे, मैं तो जब मर्जी चल जाता था। तो मैंने उनके चरणों में रखा, मैंने कहा पिताजी इस साल भी हमीरपुर का प्रोग्राम अगर बन जाए तो अच्छा है। सत्संग से उठे थे, सत्संग के बाद हुक्का पी रहे थे, अपनी मस्ती में थे, तो मुझे कहते बेटा इस बूढ़े शरीर के साथ कब तक जुड़ा रहेगा। मुझे उनके शब्द का नाम, इस बूढ़े शरीर के साथ कब तक जुड़ा रहेगा, मैंने तुम्हें हकीकत, असलियत और सच्चाई बता दी, अब वो सुनो क्या है। हकीकत ये है कि ऐ इंसान तू राम नाम जप चाहे ना जप, तू अपना कर्म ठीक कर ले और अपनी नियत को ठीक कर ले, बस फैसला तुम्हारे कर्म ने करना है। क्योंकि तुम मन में रहते हो, तुम मन से परे तो जाते नहीं हो, कर्म का संबंध तुम्हारे मन के साथ है ना। तो मन में रहते हुए कर्म अच्छा करो, और कर्म वो करो जिससे दूसरे को तकलीफ ना हो, दूसरे को लूटो मत, दूसरे को धोखा मत दो, तो वो कर्म बुरा हो जाएगा। अपने स्वार्थ के लिए, अपनी खुशी के लिए, अपने आनंद के लिए, अपने आप को ज़्यादा ताकतवर बनाने के लिए किसी को दुखी मत करो, किसी को लूटो मत, किसी के अधिकार मत मारो, तुम्हारा कर्म ठीक रहेगा। एक तो ये बात मुझे कही गई, बात समझ गए। नंबर दो, अगर तुम कर्म से बचना चाहते हो, और गौर सुनना, गौर से सुनना, अगर तुम कर्म से बचना चाहते हो तो मन की दुनिया से निकल जाओ। क्या मतलब? फिर गुरु के बताए हुए नाम का सिमरन करो, गुरु के बताए उस गुरु का ध्यान करो अंदर, और इस स्थान को छोड़कर, क्योंकि ये नीचे पिंड है, ये पिंड है, ये अंड है, ये ब्रह्मांड है, तो ब्रह्मांड में रहते हुए काम तो करना है, शरीर में रहते हुए काम तो करोगे, कर्म नहीं करोगे तो रोटी कहाँ से देगा, मुफ्त में खाती है दुनिया, लेकिन वो पार नहीं हो सकते ना। पार वो होगा कौन, कौन पार होगा, जो उद्यम करके रोटी खाता है, नेक नीति करता है और नाम का स्मरण करता है, और तीसरा कुछ दान भी करता है। ये गुरबानी मेरे को शब्द याद नहीं आ रहा, हाँ, काल खाए, गुरु नानक साहब, काल खाए कुछ हथों दे
नानक नाम पछाने से गाल खाए मतलब मेहनत करके खाता है, हक हलाल की कमाई खाता है, ठीक है। और वो चल गया, उसके बाद मन को छोड़ जाओ, इस जगह को छोड़ो जहाँ चल जाओ, तुम्हारे ऊपर कर्म का कोई असर नहीं रहेगा। लेकिन अब सवाल पैदा होता है, वो सवाल एक पैदा होता है, वो क्या सवाल है? कर्म इंसान को इस संसार की, इस भूमि की ग्रेविटी से पार नहीं जाने देता। ये जो हमारी ज़मीन है ना, इसमें कशिश है, ग्रेविटी इसको बोलते हैं, कशिश है, बहुत दूर तक इसका असर है, खींच लेती है अपनी तरफ कुछ चीज़ को। तो इसलिए रॉकेट जो हम छोड़ते हैं उसको पहले छोड़ेंगे कि वो इस ज़मीन के दायरे से निकल जाए, वहाँ जाकर एक विस्फोट होता है तब वो पार जाता है, नहीं तो नहीं जा सकता, गिर जाएगा। तो उसको, इसको दुनिया की इस ग्रेविटी से पार करना है। कैसे? मेरे हुजूर ने बताया कि जो मेरे शरीर के साथ जुड़ा रहेगा वो वहाँ नहीं जा सकता, जो मानवता मंदिर से जुड़ा रहेगा वो वहाँ नहीं जा सकता, जो किसी धर्म स्थान से जुड़ा है वो वहाँ नहीं जा सकता, क्योंकि वो तो जुड़ा हुआ है। तो संत तो आते हैं मेरे को अलग करने के लिए, हमारे डिटैच करने के लिए, हमें कि जहाँ हम जुड़े हुए उनसे अलग करने के लिए। तो इसलिए जब तक हम मन में हैं, नेक रीति से काम करो और रात को मन को छोड़ो और वहाँ जाने की कोशिश करो जहाँ तुम रहने वाले हो। ये अगली बात मैंने आपको बता दी। दूसरी बात ये पहली बात, दूसरी बात असलियत सच हकीकत क्या है? एक मालिक है, इसमें कोई संदेह नहीं, इसमें कोई संदेह नहीं। क्यों? मुझे ये साबित हो गया, मुझे ये प्रमाण मिल गया, मुझे ये हकीकत मिल गई, मुझे ये अनुभव हो गया कि मैं शरीर नहीं हूँ, फिर मैं मन भी नहीं हूँ, मैं मन भी नहीं हूँ। क्योंकि जब मैं सो जाता हूँ तो मन नहीं है, जहाँ मैं जब अपने सतगुरु के उस गुरु और है, सतगुरु और है, मैं सतगुरु का नाम लिया, जब मैं अपने अंदर सतगुरु से जुड़ जाता हूँ तो वहाँ मन है ही नहीं। तो वो जो सतगुरु को देखने वाली चीज़ है वो मन नहीं है। मेरी बात को पकड़ो, जो सतगुरु को देखने वाली चीज़ है या सतगुरु के अंदर वचन सुनने वाली चीज़ है, वो ना मेरा मन है, ना वो मेरी आत्मा है, और ना वो मेरा मन है, ना वो मेरा शरीर है। तो वो अलग है, वो जो अलग चीज़ है उसको संतों ने सुरत का नाम दिया। सुरत है, अंग्रेजी में उसको कॉन्शियसनेस कहते हैं, हिंदी में उसको चेतना कहते हैं, और पंजाबी में उसको होश कहते हैं। बेहोश आदमी को कुछ पता नहीं, ना वो बोल सकता है, ना सुन सकता है, ना चल सकता है, ना बोल, कुछ भी नहीं। बात समझ गया ना? क्योंकि उसकी होश शरीर में है ही नहीं, वो तो जहाँ चला गया। तो हमने साधन करते हुए, साधन करते हुए बेहोश नहीं होना, बाहोश होके वहाँ जाना है। तो जब बाहोश होके वहाँ चल जाएंगे तो फिर हमें हमारे रूप का पता लग जाएगा, मैं कौन हूँ, मैं एक चेतन का बुलबुला हूँ और कुछ भी नहीं है। या कहा, पानी केरा बुदबुदा असमानस की जात, देखत ही शिप जाएगा जीव तारा प्रभात, ये गुरबाणी कहती है। इसलिए क्या है हम हकीकत? कि वो मालिक है और मेरा शरीर उसकी अंश नहीं है, मेरा मन भी उसकी अंश नहीं है, मेरी आत्मा भी उसकी अंश नहीं है, मेरा सेल्फ उस मालिक की अंश है, वो सब में है, सब में है। इसीलिए तो श्री गुरु गोविंद सिंह साहब जी महाराज ने कह दिया, एक पिता एक इसके हम बालक, हमारे अंदर उसका ही रूप बैठा हुआ है, मगर हम तो कुछ बन गए, कोई कुछ बना हुआ है, कोई कुछ बना हुआ है, कोई कुछ बना हुआ है, कोई कुछ बना हुआ, हम वो तो रहे ही नहीं जो हमारा रूप असली है, तो झगड़े हैं। इसलिए संत आए और बताते हो, भाई तू ये भी नहीं है, तू ये भी नहीं है, तू ये भी नहीं है, तू केड़े झगड़े च पै गया, तू अपना रूप पछाण, अपना रूप पछाण, मन तू ज्योत स्वरूप है, अपना रूप पछाण। कौन सुनता है इस बाणी को, कौन चलता है इस बाणी के ऊपर? तो मैंने आपको सच्चाई और हकीकत बता दी। और थर्ड आखिरी बात कह देता हूँ, जो इंसान अपने कर्मों से डूबा हुआ है और इस बंधन में पड़ा हुआ है,
संसार के झगड़ों में पड़ा हुआ है, कोई किसी जगह से जुड़ा हुआ है। एक बार बाबा सावन सिंह जी महाराज, परमदयाल जी महाराज ने सुनाया, उनकी बात सुनाता हूँ और किसी की क्या। तो बाबा सावन सिंह जी महाराज ने कहीं सत्संग में कह दिया, परमदयाल जी महाराज उनके टाइम में वहाँ जाते थे, वो बुलाते थे महाराज जी को, और मेरे सतगुरु ने ब्यास में भी सत्संग दिया 1942 में, बात समझ गए। तो कहीं कह दिया बाबा सावन सिंह जी ने, जो हरिद्वार से जुड़े हुए हैं, हरिद्वार को भागे जाते हैं, वो हरिद्वार में गंगा की मछलियाँ बनेंगी। ये कह दिए, क्योंकि जहाँ तुम जुड़े हुए वही जन्म लेना पड़ेगा। और मेरे फकीर बाबा तो ये कहते थे, जो मेरे साथ जुड़ा हुआ है, कहते मैं होशियारपुर में हूँ, वो होशियारपुर ही जन्म लेंगे, वो नहीं बच सकते। इससे बड़ी संत और बात क्या कहे, जो मेरे शरीर से जुड़ा हुआ है वो यही जन्म लेगा। क्या कहा मैंने? तो महाराज ने कहा यहाँ इसी स्टेज से कि बाबा सावन सिंह जी महाराज ने ऐसे कहा था। तो मैंने कहा महाराज, वो ब्यास, वो जो वहाँ मछलियों को बनती है ना हरिद्वार में, उनको तो लोग आटा डालते हैं, उनको पकड़ता कोई नहीं। तो जो दरियाए ब्यास में से, ब्यास से जिनका संबंध है, ब्यास को दौड़े आते हैं, तो ब्यास में वो ब्यास की मछलियाँ बनेंगे। तो ब्यास की मछलियों तो लोग जाल लगाते, निकाल के भून के खाते हैं, बताओ उनका क्या बनेगा। क्या कहा मेरे पापा जी ने, किस से जुड़ना? इस दुनिया की चीज़ों से नहीं जुड़ना है, ये हकीकत है, ये असलियत है, ये सच्चाई है। किस से जुड़ना? उससे जुड़ना, जहाँ अपनी ड्यूटी दो, फंसो मत, ये मेरे दाता के शब्द हैं। अपना कर्म करो, बाप के रूप में, बेटे के रूप में, पति के रूप में, भाई के रूप में, जो ड्यूटी तुम्हारी वो है धर्म। परिवार के साथ तो झगड़ा, और बाहर बड़े नेता, उसका क्या बनेगा? कुछ नहीं, वो ना इधर का ना उधर का। पहले घर, चैरिटी बिगिन्स एट होम, घर से धर्म शुरू होता है। और जो घर का धर्म है वो है परिवार से प्रेम से रहना, हक हलाल की कमाई खाना, और भगवान को याद करना। यहाँ ये तीन चीज़ें हैं, वहाँ लक्ष्मी दौड़ी आती है, वहाँ फिर झूठ बोलने की ज़रूरत नहीं, वहाँ धोखा करने की ज़रूरत नहीं, वहाँ हेरे फेरी करने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि आदमी ऑन दी राइट लाइन, उसको सब कुछ मिलेगा। जिसने उस पर विश्वास किया उसको कोई घाटा नहीं रहता। जिसने अपनी बुद्धि पर सवाल किया, मन पर विश्वास किया, वो आज भी धोखा खाएगा, कल को भी धोखा खाएगा। और वो जो असलियत है वो मन और बुद्धि से आगे है। इसलिए मेरे दाता कहा करते थे, स्पिरिचुअलिटी स्टार्ट्स वेयर इंटेलेक्ट एंड्स, जहाँ बुद्धि समाप्त हो जाती है, मन समाप्त हो जाता है, उससे आगे अध्यात्म चलता है। तो मैंने आपको क्या बताया, भली बात बताई जो मेरे दाता ने मुझे बताई। मुझे दुनिया का पता नहीं, दुनिया क्या बताते क्या नहीं है, गुरु भली बात बताता है, तुम्हारे जीवन को बनाता है, तुम्हें कर्म करने का ढंग बताता है, तुम्हें जीने का ढंग बताता है, और तुम्हारी ज़िंदगी को इसी दुनिया में स्वर्ग बना देता है। आगे किसने देखा क्या हुआ, कुछ नहीं पता, कूनोज किसी ने आकर बताया कि वहाँ क्या होता है, आज तक किसी ने नहीं बताया। मेरे दाता कहा करते थे, हे मालिक मुझे कैफियत दे कि मैं जब चोला छोड़ूँ तो बताऊँ दुनिया को मैं कहाँ गया। महाराज जी सब कुछ जानते तो थे, वो तो जानते थे कि मैं कैसे बताऊंगा, बुलबुला उठा और सागर में चला गया, क्या बताना। बताएगा तो वो जो जमी इसमें रहेगा, भूत बनेगा। तो हुजूर फरमाया करते थे, लोग कहते हैं वो बंदा मारने लगा महाराज, वो गुरुजी लेने आए उसको, गुरुजी ले गए। कोई कहता पालकी लेके आ गया, कोई कहता घोड़ा लेके आ गया, कोई कहता ऐसे, दुनिया बताती है ना। मैंने भी सुना, कई सत्संगियों से सुना मैंने। बाबा जी ने तो कह दिया कि मैं नहीं जाता, तुम्हारा मन है बस, समझ गए, तुम पार नहीं जा सकते, तुम्हारा कल्याण नहीं होगा, तुम स्वरूप से जुड़े हुए हो। तो मेरे दाता कहते फिर तो उससे तुहाडा गुरु जेड़ा भूत बन गया, उदा तो कल्याण ही नहीं हुआ, जो मुड़ मुड़ के आता तुम्हें लैन वास्ते। मेरी बात समझ गए, उसका अपना कल्याण नहीं हुआ था, तुम्हारा क्या करेगा। चोपड़ा जी क्या कहा मैंने,
बड़ी बताई बाता, क्या कहा पढ़ो फिर पढ़ो, वस्तु अगोचर दी मेरे सतगुरु, वस्तु अगोचर दी सतगुरु ने भली बताई बाता। आपको भली बात मैंने बता दी जो मेरे बाबा फकीर ने मुझे बताया, मुझे भी बाकियों का भी पता। आगे क्या कहते हैं, आगे सुनो। कभी सामने कभी काम क्रोध कैद करी राखे, काम क्रोध कैद करी राखे, लोभ को लीनो नाथा, लोभ को लीनो नाथा, जग में गुरु समान नहीं दाता। कबीर साहब ने ये बात कह दी तो बाबा फकीर जी ने क्या कहा मुझे, जब समझाया, अब इन्हें नहीं पता कबीर साहब के गुरु ने की क्या, तो कहते काम क्रोध क्या कर उन्हें बस कर लिया और लोभ नू नथ डाल दी, यही क्या ना। अब मुझे नहीं पता कैसे डाली होगी, मेरे दाता ने मुझे जो बताया या मुझे समझ मिली वो क्या है, काम क्रोध लोभ मोह हर जगह इनका खंडन किया जाता है। सब भाषण देने वाले कहते हैं ये पांच बहुत बड़ी बुराइयां हैं हमारे अंदर, इनको दूर करो, ये करो, ऐसे कहते हैं। आप नहीं कहते कि मैंने दूर कर ली, आप नहीं कहते कि मैंने दूर कर ली, कैसे दूर की वो तो बताओ भाई, क्या ख्याल है। तो जे तुसी दूर की अपनी तो तद तक तले बताओ, तो ऐसा किदा कह देता फिर तुसी दूर करो भाई, किदा करिए बाबा जी दसो तो सही, ये काम करो लोग वो किदा दूर करिए। सुनो काम क्या है, ये काम क्रोध लोभ मोह ये पांच हमारे शरीर के हमारे मन के गहने हैं, गहने मैं गहने कह रहा हूँ लेकिन हमने इनको समझा नहीं। गहने कैसे हुए, इन पांच की पांच पांच शक्लें हैं हर चीज़ की, काम के भी पांच रूप हैं, क्रोध के भी पांच रूप हैं, लोभ के भी पांच रूप हैं, मोह के भी पांच रूप हैं और अहंकार के भी पांच रूप हैं। लंबा हो जाएगा सत्संग, मैं मिसाल ही दूंगा सिर्फ आपको, ये क्यों चीज है, ये कैसे है, मैं फिर समझाने की कोशिश करूंगा। क्रोध तुम्हें काम क्या है, काम है वासना, वासना ये वासना स्थूल भी हो सकती है, स्थूल जानते ना, जिसको पति पत्नी का मिलन कहते हैं वो स्थूल वासना है। एक है सूक्ष्म वासना जो आँख से किया जाता है, आँख से भी तुम लोग खुशी प्राप्त करते हो, फिर आप कान से भी खुशी प्राप्त करते हो, फिर आप खाने पीने से भी खुशी प्राप्त करते हो, करते हो कि नहीं करते, ये क्या है, कामना है। इसलिए कहा गया है काम काम सब कोई कहे काम न चीने को, जितनी मन की कल्पना काम कहा वैसो कल्पना है और कुछ भी नहीं। आप कल्पना में बह गए तो बुरा कर्म कर लोगे, कल्पना को समझ लिया कि नहीं ये कुछ नहीं तो आप बच जाएंगे। काम क्रोध क्या है, कुछ भी नहीं। क्रोध कब आता है, जब तुम्हारे मन के अनुसार कोई काम नहीं होता। हर इंसान चाहता कि मैं ही ठेकेदार है, घर दे सारे मेरे हुक्म से चलन, तो फिर क्रोध तो आएगा। बहू ने या पत्नी ने थोड़ा सा नमक ज़्यादा डाल दिया, बर्तन तोड़ दिए, क्या बनाया है ये, क्या बनाया है, मेरी बात समझ गए। तुम्हारे मन के मुताबिक अगर कोई काम नहीं होता तो तुम्हें क्रोध आएगा, चाहे बच्चा है तुम्हारा, चाहे तुम्हारी पत्नी है, चाहे तुम्हारी माँ भी है, तो वहाँ पर भी क्रोध आ जाऊँ, मैं और क्या कहूँ। तो इसके लिए संतों ने कहा भाई तुम क्रोध मत करो, दया कर दो, दया कर दो कि इन पता नहीं है गलती हो गई, जब मित तो हो जाए तो मित नहीं होगी गलती, तो क्रोध को दया में बदल दो। संत कहते हैं दया में बदल दो तुम्हें क्रोध से बच जाओगे और फिर कई बीमारियों से बचोगे। बाबा फरीद ने तो बहुत ही सोना कहता, फरीदा बुरे दा भला कर, गुस्सा मन ना हटाए, देही रोग ना लगे, सब कुछ पल्ले पाए। ओ बल्ले बल्ले फरीद साहब क्या कहता तूने,
वो सारी फिलोसफी खत्म कर दी कबीर फरीद साहब ने, बुरे का भला कर तू गुस्सा क्यों करना, जो गुस्सा करेगा तो तेरे शरीर में रोग लगना ही लगना, बुरे का भला कर गुस्सा मन ना हड़ाए देही रोग ना लगी, तब जब तुम गुस्सा नहीं करोगे। लोगों ने ब्लड प्रेशर क्यों होया अजकल, जे करके हुए अपनी मन की करना चाहते सारे, मेरी गल चलो मेरी बनो मेरा को ऐदा हो ऐदा हो समझ गए, इसलिए ब्लड प्रेशर ज़्यादा हो गया और ज़्यादा नमक खाते, जो हाथ आया खाई जाना, दाल रोटी खाओ कभी तुम्हें ब्लड प्रेशर नहीं होगा, जिदन तुम समोसे खाधे जिदन पकौड़े खाधे जिदन टिक्की खाधी जिदन तुम बाजार गए और ना चाहते हुए भी खा गए तो तुम्हें बीपी होना दुनिया की कोई ताकत घटा, फिर जाओ डॉक्टर के पास तो गोलियां खाओ, वो क्यों नहीं अपने आप ने संभालते, क्यों नहीं संभालते, वो थोड़े वास्ते दाल रोटी सब्जी इतनी मालिक ने पैदा की है वो खाओ था और घर से बना के खाओ, तुम्हें तो जब कभी ब्लड प्रेशर हो जाए मेरे तो गरंटी ले लो, पर खाओ जो तुम बाहर गए और हूँ तो क्या फास्ट फूड आ गया, फास्ट फूड पता नहीं की वो होंदा सारा ही मैदा और इदा उन्होंने मैं देखे इदा खिंचो तो तारा तो अंदरों कि निकलूगा वो तो जम जाना जाता ही तो फिर बीमारी लगनी लगनी है, बस कैंसर हो गए इसे करके कैंसर हो रहे हैं और क्या है, हमारी खुराक ठीक नहीं है, क्या कहा मैंने, तो वो क्या गुस्सा मन न हटाए देही रोग न लगे पल्ले सब कुछ पाए, सब कुछ मिल जाओ तुम्हें, क्या कहा, सब कुछ क्या सेहत खुशी मन च आनंद परिवार में सुखी, तुम गुस्सा होता ही नहीं तो फिर तुम्हारा परिवार कितना गुस्से च होगा वो भी सुखी, मेरी जो गुस्सा औरत ने कर लिया तो रोटी देख लो खा के जे जात ना तुम जस वे टट्टियाँ लगन गया जा फिर ढिड च पीड़ हो, बस मैं तुम्हें गल अपनी दस दिया पिछे पिछे जाता जाता प्रैक्टिकल, मैं प्रैक्टिकल दस दिया खाण पीण की गल दस दिया, असी तीन प्रोफेसर से धर्मशाला कट्ठे जाइदा सी, मेरा रास्ते च घर सीगा ते जाना भी कट्ठे ने हाक मार लैनी कमल जी आओ चलिए टाइम हो गया, ते मैं तैयार हुंदा सी चलो कॉलेज गए उधरों वेले भी कट्ठे होना ते वेले कट्ठे ना आना, मैं पहले घर रह जाना उन्होंने अगे चल जाना, एक दिन असी तीनों निकले तो बारिश हो रही दसंबर का महीना, तो जिसने मेरा घर आया तो उन्होंने बेच एक मैं क्या कहूँ सिंह साहब थे बड़े प्यारे थे मेरे प्यारे थे, वो मैं ना नहीं लेना मेरे नाल रहे हो हमीरपुर भी मेरे नाल रहे धर्मशाला भी मेरे नाल रहे, वो कहते यार कमल गल सुन ठंड हैगी है तू इत कले की करना चल घर चलिए कॉफ़ी पीवे, मेरी गल गौर ना सुनना, तो गुप्ता जी थे वो भी वही ज्वाइन किए मेरे नाल, उन्होंने बड़ा प्यार हूँ भी बड़ा प्यार है, तो हाँ चलो ठीक है कमल जी चल दे मैं भी चल पाया अपने अंदर नहीं कर कमरे से नहीं गया, उत्थे घर गए उन्होंने तो ड्राइंग रूम जल्द बैठे तो वो मेरे प्यारे प्रोफेसर साहब अंदर गए तो उन्हें अपनी पत्नी को कहा वो गुप्ता जी और प्रोफेसर कमल आए हैं अड़िए तीन कप कॉफ़ी दे बना दे ठंड आज, वो अपनी सहेली नाल बाजार में जाने लिए तैयार सी, मेरी बात समझ लें, वो सहेली बाजार ना जाने तैयार सी परस हाथ के कोल सी, तो मैं बड़ा उस कन्न का पक्का सगा कन्न बड़ा मेरा तेज था ठीक है, तो उन्हें वो जरा थैल वो जो बैग था ना वो जोर ने अपने बिस्तर मान लिया आ गए असी बाजार जाना सगा बना लो आपे पी लो, ये गल मैं सुन ली गुस्सा आ गया ना, उन्होंने मनाया उस बाहर बैठे हैं उन्हें सुन लिया चल उन्हें गुस्से च कॉफी बना, उस मूड चोपड़ा जी कॉफी बन गई तो तीन कप बन के आ गए, वो चले गई हैं आप लेके आ गए कहते नहीं मैडम कहते बाजार चले गए, कॉफी जिसले आ गई तो मैं तो हम बाबा जी ने शिक्षा दी होगा कि क्रोध चीज़ बनी हो तो ठीक नहीं रहनी, तो मैं सोचा कि जे मैं कॉफी पी ली तो ये क्रोध ना बनाई गई है तो हो सकता मैं ठीक ना बैठ, मैं मारिया बहाना उसी वक्त, वो मैं क्या यार ऐसा मैं तुम्हें पता मैं होम्योपैथी की दवाई खाना झूठ तो बोलना सी जान बचानी अपनी जान बचाने लिए झूठ बोले, मैं कॉफ़ी खा नहीं पीता तू इदा कर मैनू कोसा कर पानी का गिलास दे दे
कहते हैं यार मैं कॉफ़ी पी ली तो मैं दवाई सवेर की खाधी वो रिएक्ट कर जाऊगी, कहते इलायची नहीं खानी चाहिए, कॉफ़ी नहीं पीनी चाहिए, मसाले एक खुशबू, प्याज नहीं खाना, लहसुन नहीं खाना, होम्योपैथी वाली दसते ना तो हाँ मैं तो नहीं मैं नहीं पीऊँगा। चलो उन्होंने दोनों ने पी ली, मैं पानी पी लिया, गल खत्म हो गई। प्रोफेसर साहब छोटे उपर चले गए अपने, वो अपने घर, मैं वापस आ गए अपने मालिक दे, अपनी जड़ी रोटी होती बनाई खाई और आप भी अपने रजाई च बह गए, अपने भजन बनगी या किताब पढ़ ली या मालिक दे कोई किताब पढ़ ली। सवेरा दूजे दिन मैं तो अपने मालिक नू याद करना हुंदा ना, तो आप दरवाजा किया बंद, तड़के उठे ठंड सी, चाह चाह कप बनाया नहा लिया तो चलो डर गया। 7 बजे मेरा दरवाजा खटकया, 11 बजे कॉलेज जाना हुंदा सी, दरवाज़ा खटके एक बार खट गया, मैं चुप, मैं ओह मेरा ध्यान टुट गया, फिर दरवाज़ा खटखटाया, मैं नहीं बोलिया, मैं कहा यार मेरा काम खराब हो गया, क्योंकि जब आप गुरु की याद में बैठे हैं ना तो तुम्हें उस वक्त कोई लूट ले कितना दुख होगा होगा ना। तो फिर तो तीजी बार तो उन्होंने ना जोर न हथड़ी मारी, और कमल जल्दी दरवाज़ा खोल, वो मैं उठा, मैं कहता गुप्ता, मैं दरवाजा खोलिया तो सीधा ही मेरे बिस्तर से लेट गया, जमदा ही डिग पिया, वो मैं गुप्ता की होया क्यों होया तेन, कहिंदा होना की सी पहला ये दस कमल पे तू कॉफ़ी क्यों नहीं पीती, मैंने उन्हें सवाल किया, मैं तुम्हें बीबी हो दस रहा गल ध्यान में सुनो, तैं कॉफ़ी क्यों नहीं पीती, मैं कहा होया की, कहिंदा मैं तो घर गया मैनू सारी रात चटियाँ लगिया रही, मेरा बुरा हाल हो गया, मैं हूँ दवाई लेके आया, तो तू क्यों नहीं पीती, मैं कहा मैं पता से उस मैडम का गुस्सा सी, मेरा मेरा तेरे नाल भी कमजोर, मेरा पता नहीं की हाल होना सी, वो तो रोज़ पीते पति तो रोज़ पीता होगा, वह तो मुझदा तेज होगा पी लेंदा होगा, वह मैनू नहीं पुछनी सी यार, जो तेरा यह हाल है तो मैं तो शायद घर भी ना पहुँचता। बीबी वो गल सुनी, क्रोध बहुत बड़ी चीज है, तुम्हें पता ही नहीं कि तुम क्या करे, वो मालिक नू याद कर दे, भोजन बनाओ वो प्रसाद बन जाता है, वो प्रसाद बन जाता, बच्चे कभी बीमार नहीं होंगे, बच्चे कभी रोणगे नहीं। कल मैं कित गया चंडीगढ़, कल मेरा चंडीगढ़ सत्संग था, फैमिली सत्संग, तो वापस आया तो पता लगा कि सड़क बंद है, मैंने बहू ने टेलीफोन करता सी कि डैडी जी वो रास्ता बंद है तो तुम उदा करना, उन्होंने घर गड्डी खड़ी कर देना, साढ़े मेरे प्रेमी है उन्होंने बेड़ा काफ़ी है, तो उत्थे गड्डी मैं खड़ी कर दी, तो चौधरी साहब बाहर वो बहू ने टेलीफोन करता है प्रेमी प्रेमू तू जा शायद डैडी कुछ लाए हो चंडीगढ़ से, तो मैं उन्होंने को बह गया अंदर, वो काफ़ी सियाने हैं, उन्होंने पूछा, उन्होंने मैंने एकदम पछाण लिया 90 साल की उम्र, ओहो हो आओ बैठ गया, उन्होंने बहू आई कहनी महाराज जी का कह अंकल जी क्या जा पता नहीं की क्या मैं एक गुड्डी रात दी बहुत रोंदी है, 3 दिन हो गए आज रात 2:30 बजे उठ गई रोंदी रही रोंदी रही, बस आ देखो हूँ भी रोंदी। मैं कहा अच्छा कोई नहीं, मेरे से विश्वास है उन्होंने विश्वासम फलदायकम, मैं क्या कोई गल नहीं तुम इदा कर हूँ गल सुनना ध्यान माड़ी जी गल है, कोई मंत्र नहीं पढ़िया मैं, कोई मंत्र नहीं मैं पढ़ता, मैं शुभकामना रखता, मैं क्या इदा करो अज तुम रात में अपने सराने पानी रख लेना, गुड्डी ने सराने रख लेना पानी और एक कर्द रख लेना अपने सराने कर्द जान दे और धूफ थका देना, तो रात गुड्डी नहीं रोकगी कल भी नहीं रोकगी, इन्नी गल कही उन्होंने विश्वास उन्हें रख लिया, हूँ मैं मंत्र तो किया नहीं कोई, वो सवेरे मैं जल गड्डी लैन गया तो मैं पूछया मैं क्या गुड्डी कितना रात कहते जी रात तो खूब सोई, मैं कोई मंत्र किया कुछ भी नहीं, ख्याल बदल दिया ख्याल बदल दिया, ख्याल को बदलना ही सत्संग है चोपड़ा जी और कुछ भी नहीं, ख्याल बदल गया जिंदगी बदल गई, जैसा ख्याल वैसा हाल, जैसी मति तैसी गति, जैसी करनी तैसी भरनी, आह जैसी नीयत तैसी मुराद, आगे पढ़ तो मैं आपको बता रहा काम को कैसे बंद किया, एक बात क्रोध भी बता दिया, अब लोभ लोभ मोह पहले आता शायद मोह पहले मोह क्या क्या बोलो
काम क्रोध कैद करी राखे, लोभ को लीनो नाथा। क्या है कि जितनी चीज मुझे चाहिए उससे ज्यादा प्राप्त करना, उसको लोभ कहते हैं। ठीक है, तुसी रोटी खान बैठे, रोटी मेरे ध्यान गल सुनियो, रोटी खान बैठे, सब्जी बहुत स्वाद बनी, वैसे तुहानू किन्नी खानी चाहिदी है? इन्नी, ये तो ज़्यादा नहीं, सब्जी भी पा लो, रोटी भी पा लो, बिच होर भी चीज़ पा लो, ये जेले ए तो ज़्यादा हो गई तो वो तुहाडी सेहत नू नुकसान करूगी, सह नहीं आऊगा। कई लोग इतनी रोटी खा लेते सह नहीं लैन, बस इन्ना इन्ना, क्योंकि पेट तो इतने तक भर गया। वो क्या है, लोभ नहीं करना, उतना लो जितनी जरूरत है, उससे ज्यादा लोभ करना हमें डी अटैच कर देगा चीज के साथ, बांध देगा ना, ये भी आ जाए, ये भी आ जाए, ये भी आ जाए, बंध गए ना तुसी, तो जिसने तसल्ली हो गई, इसको कहते हैं दूसरे शब्दों में सबर, सबर कर, राजी हूं मैं उसी में जिसमें तेरी रजा है, इसको कहते हैं सबर। अगर सबर कर लिया तो मौजा मौजा, क्या कहा, खाने में सबर, देखने में सबर, सुनने में सबर, बोलने में सबर, और क्या बताऊं, उतना बोलना जितनी जरूरत है, मैं जितना बोल रहा हूं अब, मेरा मकसद है कुछ, मेरी कोई मिशन है, वो मिशन है कि मेरे बाप दादा की तालीम तुम्हें मिल जाए, जो मुझे मिला तुम्हें मिल जाए, ये है लो मो, कोई चीज हो गई ये मेरी आ, ये हूँ मेरी आ, वो भी कोई ले सकता, झगड़े होंगे ना जमीना ते, मेरी आ, ये भी मेरा और भी मेरा, मेरा क्या है जहाँ, बताओ मुझे, कोई ले गए हम, कोई बड़े बड़े राजे मर गए कुछ ले गए, बड़े बड़े सेठ चले गए मर गए, संत चले गए संत ले गए, क्या जाना साथ, हमारा कर्म जाएगा साथ, हमारे संस्कार जाएंगे साथ, बाकी कुछ नहीं। इसलिए कबीर साहब ने फैसला कर दिया, जहाँ से सब कोई जाए हैं बार लदाए लदाए, वहाँ से कोई नहीं आता है जा से पूछूं जाए, मैं कहूँ पूछा कि तेरे ना की बीती उठे, सिर्फ लिख दिया, बहुत कुछ लिखा है संतों ने, वहाँ है, इसमें शक नहीं है, आप भी अपने अंदर देख सकते हो वहाँ क्या क्या हो रहा है, सब पता लग जाता है इंसान को, लेकिन तुम्हारी वहाँ तक उड़ान नहीं है, सब कुछ अंदर है तुम्हारे, तुम्हारे अंदर नरक भी है, तुम्हारे अंदर स्वर्ग भी है, तुम्हारे अंदर शैतान भी है, तुम्हारे अंदर भगवान भी है, और क्या कहूँ मैं, जो कुछ है तुम्हारे अंदर है, लेकिन तुमने पहचानना नहीं अपने आप को, तुम उस हस्ती को गलत रास्ते पर ले जाते हो और यहाँ संसार में दुखी होते हो। इसलिए कहते हैं दाता ने क्या किया, गुरु ने क्या किया, और गुरु ने मुझे बता दिया, बेटा ये कुछ भी नहीं, ना तो रूप बदल दे, दया में आ जा, लोभ के संतोष में आ जा, मोह में प्यार में आ जा, क्या कहा मैंने, अहंकार में नम्रता में आ जा, किस चीज का अनुसार तू अहंकार करेगा, नम्रता, मिठत नीमी नानका गुण चंगियाइया तत्व, यहाँ भी दिखा है फल नीमिया रुखा नु लग दे, सिंबला तू माण ना करे, तो बचपन च गाया करते सिगे, सिंबल रख बड़ा उच्चा होंदा, बड़ा सुंदर होंदा, पर उन्हें फल नहीं लगता कोई भी, बात समझ गए, नीमे होके ओ मेरे मेरे सतगुर दे, मेरे सतगुर दे की गुरपाई सी, मैं उन पहला भी कई दफ़ा बता चुके हैं, क्या नाम थोड़े पीरे नुआ पीरे मुआ साहब, वो बाजे से गाया करते थे, उर्दू में बोलते थे, बहुत प्यारा बोलते थे, वो उन्होंने एक बात कही, मुझे कभी नहीं बोलते, संतों की बात मैं नहीं बोलता हूँ, और जितने जितने हर कोई कहता सारे कहते मैं जितना मैं जितना मैं जितना, जितने जितने हर कोई कहता दिलों हारे फकीरा, दिल से फकीर हार गया, कहते मैं हार गया भाई, उसी बड्डे असी नहीं, मैं बात समझ गए, जितने जितने हर कोई कहता दिलों हारे फकीरा, फिर कहते वो जितन दा मुल जुतियाँ मिल दियाँ ते हारन दा मुल हीरा, हारन च बड़ा फायदा है, झुक जाओ, जो दरख्त हवा चलती बहुत तेज ना, जो झुक जाते हैं वो खड़े रह जाते हैं, जो नहीं झुकते वो टूट जाते हैं। ये भी मेरे दादा ने मुझे एक दफ़ा सुलझाया था, मैं कॉलेज से आया
महाराज जी से बात की, मैंने कोई घटना देखी कॉलेज में जो मैंने पसंद नहीं की। मैंने कहा ये गलत कर रहा है आदमी, इसको ऐसा नहीं करना चाहिए, जो ड्यूटी है प्रोफेसर की वो करनी चाहिए। तो हुजूर के साथ में कभी कभी ऐसी बात कर लेता था, मैं कहा हुजूर ऐसा है मैं क्या करूँ। तो मुझे महाराज ने पता क्या कहा, कहते बेटे जब हवा चलती है, तेज़ हवा चलती है तो रक्त क्या करते हैं। मैं कहा पिताजी वो जिद को हवा चलती है तो झुक जाते हैं, तो बाकी जो खड़े रह जाते हैं पिताजी वो टूट जाते हैं। बस बेटा जिंदगी में हवा के साथ चलना, अपने आप लोग एक पासे कर लेना, हवा निकल जाएगी, झुक जाओ। क्यों तू खड़े तो कर नहीं सकता? कोई आदमी इस दुनिया को बदल सकता है? बताइए क्या दुनिया बदली? महात्मा बुद्ध जोर लगा गए, जैन मुनि जोर लगा गए, कबीर साहब ने क्या कुछ नहीं लिखा वो देख लो, और हमारे ग्रंथ साहब में तो सागर भरा हुआ है। हम उसको पढ़ते हैं, सुनते भी हैं, गाते भी हैं, और अपने आप को देखो कि हम कहाँ खड़े हैं, कहाँ खड़े हैं हम। हम नहीं मानते, हम नहीं सुनते, हम दबे हुए हैं मन की आशाओं के नीचे। इसलिए कबीर साहब ने जो कहा और जो मुझे मेरे दाता से मिला वो मैं बता रहा हूँ। हो सकता है मैं गलत हूँ, मैं दावा नहीं करता, लेकिन मुझे पता लगा कि ये ठीक है, मुझे तसल्ली होगी कि आई एम ऑन द राइट पाथ। मेरा कोई ठेका थोड़ी लेना कि मेरी गल ज़्यादा कोई मनने, कोई मनने ना मनने, असी तो ढोल बजाना बाबे का, सीधी गल है, शिक्षा का ढोल बजाना भाई। ओ गुरु आ कह गए, ओ महापुरुष आ कह गए भाई, सुन लो कलयुग का बहुत बड़ा जोर है, अगे पता नहीं की होना, बच जाओ इस आंधी से, इस तूफान से, इस अग्नि से बचोगे तो शांत रहोगे, अगर बाहर जाओगे तो फिर खतरा ही खतरा है। आगे बोलो। काल करे सो हाल ही करिले, काल करे सो हाल ही करिले, फिर न मिले ये साथा, फिर न मिले ये साथा। किसी चीज को कल पढ़ना टालो, आज ही कर लो, क्योंकि आज तुम अच्छी संगत में हो। कहते फिर साथ नहीं मिलेगा, गुरु का साथ सदा नहीं मिलेगा, गुरु की वाणी का सदा साथ रहेगा। या तो उसको रखो साथ, वाणी को साथ रखो, क्योंकि वाणी गुरु, गुरु है वाणी, इस वाणी है मतलब सारे। अगर ये बात ना होती तो कबीर साहब कभी ना कहते गुरु को मानुष जानते ते नर कहिए अंध, दुखी हुए संसार में आगे जम का फन। गुरु किया है देह को सतगुरु चीना ना, कहे कबीर ता दास को तीन ताप ब्रह्मा। वो तीन ताप से दुखी रहेगा, शरीर के रूप से भी दुखी रहेगा, मन से भी दुखी रहेगा, और आत्मिक ज्ञान से भी पांजा रह जाएगा। इसलिए संत क्या कहते हैं, आज करो, आज दे दो टाइम अपने आप को, बाकी सब कुछ दो। मेरे दाता परम दयाल जी महाराज फरमाया करते थे कि जब दाता दयाल ने मुझे नाम दान दिया तो उन्होंने मुझे तीन बातें कही, क्या फकीर अपना धन कहो, अपने घर वाल ये सब आपका, ये धन जो भी मैं कमाता हूँ ये सब आपका, और मेरा मन भी आपका है ना, और जो कुछ मेरे पास है वो भी आपका, मगर मैं आपका नहीं हूँ। अपने आप को नहीं देना किसी को, बाकी सब कुछ दे दो। बी हैप्पी, तुम जो हो तुम्हारी दुनिया में कोई मुकाबला करने वाली चीज़ नहीं है, जो तुम हो वो तुम ही हो, और तुम उस माल के कुल की अंश हो। आगे देखो क्या कहते कबीर साहब, आगे बढ़ो। काल करे सो हाल ही करिले, फिर मन रे ये साथा, चौरासी में जाई पड़ोगे, चौरासी में जाई पड़ोगे, भुगतो दिन और रात, भुगतो दिन और रात, जग में गुरु समान नहीं दाता। ये लाइन बहुत बहुत गहरी है जिसको मैं समझता हूँ और आपको भी समझा देता हूँ। आम तौर पर धार्मिक जगत में ये विचार है
के 84 लाख जोने है होगी, इसमें कोई शक नहीं, मैं नहीं इस पर सवाल करता। हो सकता है कितनी दुनिया, पानी में देखो कितनी तरह की मछलियां हैं, कितनी तरह के पक्षी हैं, कितनी तरह के जानवर हैं, कितनी तरह की जड़ बूटियां हैं, कितनी तरह के इंसान हैं, होगी, हो सकता है, क्योंकि कुछ साहबान ने माना कि 84 लाख योनियां हैं। आज मॉडर्न संतों ने क्या कहा, आज के संतों ने क्या महसूस किया कि जो इन्होंने कहा ना भुगतो दिन और रात, दिन रात कहा तुम 84 लाख जूनी दिन रात भू पढ़ो, फिर दोबारा सुनो ध्यान से सुनो, कबीर साहब 84 में जाय पढ़ोगे भुगतो दिन और रात, तुम दिन रात उस 84 को भोगोगे। वैसे तो कहते हैं ना मरने के बाद 84 फिर और जमोगे फिर कुछ और, ये कबीर साहब कहते दिन रात भोगोगे, तो वो कैसे भोगेंगे, हम सुन लो ध्यान से सुन लेना। 6 चक्कर हमारे शरीर के, 6 चक्कर मूलाधार इंद्री नाभि कंठ और ये 6 चक्कर हैं, और यहाँ से यहाँ तक भी 6 चक्कर हैं, ये यहाँ से यहाँ तक 12 चक्कर हैं शरीर के और मन के, 12 चक्कर हैं हमारे शरीर में, 12 चक्कर हैं। 5 हमारी ज्ञान इंद्रियाँ हैं, हमारी 5 ज्ञान इंद्रियाँ हैं, इन ज्ञान इंद्रियों में 2 चीज़ें काम करती, मन और बुद्धि, बात समझ रहे हो, इन 5 इंद्रियों को, आँखों को, कान को, नाक को, जबान को कौन इस्तेमाल करता है, हमारा मन और हमारी बुद्धि, ठीक है, 5 + 2 = 7, 7 हो गए, 5 ज्ञान इंद्रियाँ, मन और बुद्धि 7 हो गए, और ये 6 12 हो गए, ठीक है। मन और बुद्धि इन 5 के साथ मिलकर, मन और बुद्धि इन 5 के साथ मिलकर 7 हो गए, 7 इनमें चक्कर लगाते रहते हैं, कभी हम मूलाधार में हैं, कभी हम इंद्रिय में हैं, कभी हम नाभि में हैं, कभी हम हृदय में हैं, कभी हम नासिका में हैं, मुंह में हैं, कभी हम यहाँ आ जाते हैं, और फिर कभी हम सजदल कमल में, कभी हम त्रिकुटी में, कभी हम शून्य में, कभी हम महाशून्य में, कभी हम महाशून्य में, कभी हम सतलोक में पहुंच जाते हैं, है ना। तो 12 + 7 = 84, 12 + 7 = 84, वो 7 के साथ हमारे जीवन को दिन रात इन 12 केंद्रों में घुमाते रहते हैं। चोपड़ा साहब मैंने क्या कहा, अश्विनी मैंने क्या कहा, ये मेरे दादा बाबा फकीर ने व्याख्या की है कि दिन रात हम इनमें हैं, वो 84 तो मरने के बाद होगी, बात समझ गए, क्योंकि मरने के बाद तो मैंने बताना नहीं कि मैं कहाँ किस योनि में पड़ा, लेकिन माना जाता है और हो भी सकता है सत्य हो, क्योंकि कहा गया अंत मतासो गता, जहाँ तुम्हारा अंत में जब छोड़ना छोड़ोगे, जहाँ तुम्हारा मन, जहाँ तुम्हारी बुद्धि, जहाँ तुम लगे हुए हो वहाँ पैदा होगे, मेरी बात समझ गए आप, ये बिल्कुल सत्य है, लेकिन हम दिन रात भी 84 में रहते हैं, इसलिए आओ हम इस मन को और अपनी बुद्धि को इन 5ों में जब बैठे हैं तो इस शरीर का सदुपयोग करें, दुरुपयोग ना करें, किसी के विरोध में ना सोचें, आँख में बैठकर किसी को बुरा मत देखें, कान में बैठकर कभी किसी की वाणी को गलत ना सुने, और मुंह से कभी किसी की चुगली निंदा बुराई ना करें, क्या कहा मैंने, तो यही है, जब तुमने 3ों बंद लगा लिए तो बात बन गई, आँख बंद, कान बंद, मुंह बंद, मैंने क्या लेना दुनिया को देखकर, अपने आप को देखो, सबसे सुंदर हो तुम दुनिया में, तुम्हारे जैसा दुनिया में और कोई है ही नहीं, कोई है, तुम इतने बैठे किसके साथ शक्ल मिलती है, जो मर गए उनकी फोटो देखो तुम्हारे साथ नहीं मिलेगी, जो आगे आ रहे हैं उनकी भी शक्ल नहीं मिलेगी, जो आया अपना रूप नया लेकर आया, क्योंकि उसके रूप सभी है, वो सब में बैठा है, वो रंग देखता है, अपने रूप के रंग देखता है, तो इसलिए क्या कहा कबीर साहब कहते हैं कि इस रस्सी से नहीं पहना, ये कितने ठहरना, यहाँ से ऊपर, यहाँ से ऊपर, अगर वहाँ नहीं जा सकते तो 2 काम कर लो,
जो तुम्हें गुरु ने नाम दिया है उसका सिमरन करो और उस गुरु का ध्यान करो, तुम्हारी दुनिया बन जाएगी, तुम्हें किसी बात की कमी नहीं रहेगी। मगर ये भी करने से पहले अपने मन को शुद्ध करो, अपने मन को साफ करो, दिल का हुजरा साफ कर, जान आके आने के लिए ध्यान गैरों का हटा, उसको बिठाने के लिए केवल उन्हें बिठा लो, बाकी उन्हें छोड़ दो। वैसी बात समझ गए। और गुरु के महान कोई दाता और है नहीं, वो माला माल कर देता है, वो दुनिया भी बना देता है और दीन भी बना देता है और अंत में अपनी गोद में भी ले लेता है। बात समझ गए आप लोग, आगे पढ़ो। सबद पुकार पुकार कहत है, सबद पुकार पुकार कहत है, करिए संत निसाखा। कहते हैं शब्द बार बार कह रहा है, कहाँ गुरुद्वारे में भी यही कह रहा है, मंदिर में तो मैं कभी गया नहीं, मुझे नहीं पता मंदिरों में भी शब्द कहते हैं कि नहीं, वहाँ तो घंटे बजते हैं या फिर तालियाँ बजती हैं, ये तो देखा मैंने, बाकी तो मैंने पता नहीं। लेकिन संतों की संगत में शब्द की बात कही जाती है, गुरु शब्द को कीजिए बहुते गुरु लवार, अपने अपने स्वाद को ठोर ठोर बार बार। एक गुरु महाराज के मुखार से मुंह से शब्द निकलता है, उस पर चलो पार हो जाओगे। दूसरा, तुम्हारे अंदर भी अनेक तरह के शब्द बोलते हैं, वो शब्द तुम्हारी जैसी जैसी प्रकृति है, किसी को घंटा सुनाई देता है, किसी को शंख सुनाई देता है, किसी को ओम ओम सुनाई देता है, किसी को बम बम सुनाई देता है, किसी को बांसुरी सुनाई देती है, और जो आगे चल जाता है उसको बीना सुनाई देती है, और कुछ नहीं। बात समझ गए, ये मन का खेल है, मन ने मेरा साथ नहीं देना, मुझे जो समझ लगी, मन ने मेरा साथ नहीं देना, और मेरे दाता ने मुझे तो मन से छुड़ा दिया, कब जब मैं उनकी गोद में होता हूँ तब, अदरवाइज नहीं, मैं भी मन से खेलता हूँ। अब जो बोल रहा हूँ किस मन से, मन के लेवल पर ही बोल रहा हूँ ना, तो जब मैं वहाँ जाऊँ तो बोल सकूँगा, वहाँ तो साइलेंस है, देयर साइलेंस, नथिंग, कुछ नहीं, बस तुम अपने आप में हो जाते हो। इसलिए कहते हैं कि संतों की संगत करो, महापुरुषों की संगत करो। और वो संत कौन होता है जो प्रकाश में रहता है, जिसने कुछ लेना देना नहीं है, वो होगा जो तुम्हारी जेब की तरफ देखता है, जो गिनता है कितने पैसे चलाए गए, वो संत नहीं हो सकता, तो वो कुछ और हो सकता है, मैं ये नहीं कहना चाहता, होंगे मुझे क्या लोड़ है कहने की, हैं दुनिया चल रही है, लेकिन दुनिया का लेवल है, कोई मन के लेवल पर है, कोई शरीर के लेवल पर है, एक क्लासें हैं, कोई पहली क्लास पढ़ रहा है, कोई दूसरी से पढ़ रहा है, कोई तीसरी से पढ़ रहा है, किन्हें एमए कर ली, किन्हें पीएचडी कर ली, हूँ पीएचडी एच कर ली, और पहली अड़न थोड़ी कहूँगा फिर निकम्मे हैं, मैंने भी लौट पे कह दी, मेरी बात समझ गया। पहली क्लास भी ज़रूरी है, दूसरी भी ज़रूरी है, दसवीं तक ज़रूरी है, सारे पढ़ दे, मैं भी पढ़े तो जब जो संत की क्लास है वो तो मेरे इन क्लासों से थोड़ा ऊपर ले जाती है, वो मन से ऊपर ले जाती है। इसलिए आगे क्या कहते हैं कबीर साहब, बोलो। शब्द पुकार पुकार कहत है, करिले संतन साखा, सुमिर बंदगी कर साहेब से, सिमरन कर किसका, साहेब का, जो मेरा घर है, याद, सिमरन होती याद, किसकी याद कर, अपने घर की याद कर, किसकी याद कर, अपने आप की याद कर, हु आर यू, आप कौन हो, कहाँ से आए, यही तो मेरा सवाल था, मैं कौन हूँ, क्या हूँ, इतना मुझे बता दो, भटका हूँ जिसमें राह से वो रास्ता बता दो, मैं गाया करता था ये शब्द, तो मेरे दाता ने मुझे सारा कुछ बता दिया कि उसकी याद रख, तेरा घर ये ऊना नहीं है, ना होशियारपुर है, ना मानवता मंदिर है, तो याद आती है ना उसकी, तो हम तो यहाँ बैठे घर की याद करते हैं, या बच्चों की याद कर लें, या पोते की याद कर लें, क्या कहा मैंने सतपाल जी, तो इस हमारी इस याद को बंद करो, वो अपने घर की याद करो, मैं कहाँ से आया, कहाँ जाऊँगा, मैं हूँ कौन, तो जरा अपनी खोज करके देखो, अंदर कुदाली लगाओ यहाँ, यहाँ कुदाली किसकी, आज के सत्संग की, यदि कुदाली बना ला और इतने रोज़ खोज कर, इतने
मारी जा, हौली हौली मारी जा, मारी जा, अब पे वो जगह निकल रही है, समझ गया ना, वो जगह निकल कर रहेगी, कभी हो नहीं सकता। लेकिन हम जहाँ जोर नहीं लगाते, हम तो बाहर मुखी हो गए, मंदिर गए, घंटी बजाई, जोत जलाई, चला आरती की, बल्ले बल्ले मंदिर गए, सुना, बाहर गए तो सब कुछ गए, भूल गए, क्या सुना क्या नहीं सुना कोई पता नहीं, पल्ले नहीं गया। गुणन करो, गुणन करो, दर्शन करे, सत्संग भक्ति क्या है, गुरु की भक्ति क्या है, सत्संग करे, वचन पुन सुने, सुन सुन कर नित मन में कुने, गुन गुन कर ले तिस सार, कर सार तिस करे आहार, कर आहार पुष्ट हुआ भाई, जग भव भय सब गए गवाए। ये है गुरु मत, ये है गुरु की भक्ति। ये कपड़े देना, जब फल फूल चढ़ाना, गले चोर डालना, वो नहीं, असि उत्थे गए, क्या नाम है, बिलारी और मरादाबाद गए, वो उत्थे तक रिवाज है कि जड़े ना की होंगे है फुल मखाना, वो फुल मखाने गल च पाए गए, फुल इन्ने बड़े हो गए, वो मैं क्या कट्ठे कर ला कुछ, उत्थे मैं खरीदा 300 रुपए का एक पैकेट तो होंगे, वो ये बढ़िया है, ये मैं जरा भुन के खाया करूँगा, विटामिन बड़े इन्हों के, वो मैं सारे कट्ठे करके ले आया, फुलों नू की करना, वो बहू क्या इन्होंने कर दिता धागा बाहर कड, इन्होंने जरा भुन थोड़ा जा, भुन के तो डब्बे च पा के रख जाना, विटामिन भी मिल गया, सी भी मिल गया, सब कुछ मिल गया, दोनों काम हो गया, वो भी खुश था, मैं भी खुश। क्या कहा मैंने, मैंने लालच किया, लेकिन बुरा नहीं किया, मैं उनको संभाल लिया, काम में लाऊंगा ना, तो काम में लाऊंगा, उनका प्रेम था, श्रद्धा थी, तो मैंने उसको संभाल लिया ना, तो जो फुल गुए होंगे तो सोचना जल्दी ला दे, मेरे कपड़े खराब हो जाने, ला के इधर रख देना से, क्या कहा मैंने, ऐसे ही ना लकी, मैं झूठ नहीं बोलता, मैं जो कहता हूँ ठीक बोलता हूँ। आ गया अब कबीर कहते हैं धर्मदास को, अपने चेले को, जिसने 30 साल अपना सारी जायदाद, अपना सारा धन दौलत दान करके कबीर के चेले में आ गया कि मुझे सच्चाई बता दो बाबा कबीर के लिए, उसकी पत्नी भी बुद्ध उन्होंने, तो अब वो कबीर साहब को क्या कह रहे हैं, कबीर साहब धर्मदास को क्या कह रहे हैं, सुनो। काहे कबीर सुनो हो धर्मने, मानो वचन हमारा। धर्मदास मेरी गल मान ले, तू बड़ी मेरी सेवा कीती है, तू हुण मेरी गल मान, क्या गल मान, आगे पढ़। काहे कबीर सुनो हो धर्मने, मानो वचन हमारा, पर्दा खोल मिलो सतगुरु से, पर्दा खोल मिलो सतगुरु से, आओ लोक दयारा, आओ लोक दयारा। अब कबीर साहब ने उसको क्या कहा, और धर्मदास गल सुन, ओ पर्दा खोल, छड़ मन नू, तेरे पर्दे, तू शरीर च फंसया, किन्ने कितने गठन है हमारे शरीर में, हम किन किन शरीर से बंधे हुए, फिर मन से बंधे हुए, फिर अंदर मन के ख्यालों से बंधे हुए, गुरु की मूर्ति से बंधे हुए, मंदिर से बंधे हुए, धार्मिक स्थान से बंधे हुए, हम आज़ादी कहाँ है, वहाँ पर्दा कैसे खुलेगा। इन्होंने पहले शब्द पढ़ा, घुंघट के पट खोल तो कुपिया मिलेंगे, ये सारे घुंघट है मन के और कुछ भी नहीं, जब तक ये पर्दा नहीं उठ जाता, मन मन की दुनिया तुम समाप्त नहीं कर देते, तो सतगुरु कहाँ है। कबीर ने थोड़ा कहा कि मैं तेरा सतगुरु हूँ, पर्दा खोल मिलो सतगुरु से, सतगुरु तुम्हारे अंदर है, गुरु बाहर है, वो तुम्हें अंदर जाने का रास्ता बताता है और जीवन जीने का रास्ता बताता है, सतगुरु तुम्हारे अंदर है। और वो सतगुरु क्या है, मेरे दादा मेरे बाबा फकीर ने बताया, वो तुम्हारे अंदर प्रकाश है और गुरु तुम्हारे अंदर शब्द है, बस प्रकाश में पहुंचो और गुरु के शब्द को सुनो, जो सुनता है उस शब्द को और जो देखता है उस प्रकाश को, वो तुम हो। क्या कहा मैंने, वो तुम हो, और तुम कौन हो, तुम माल के कुल की अंश हो, तुम्हारा ना कोई धर्म है
ना कोई जाति है, ना कोई देश है, ना कोई काल है, ना कोई समय है, तुम सदा रहने वाले हो। क्या कह दिया मैंने, मेरी बात को पकड़ो। तुम्हारा मरना नहीं है, शरीर का मरना भी है, मन का मरना भी है, और आत्मा भी ब्रह्मांड में जाकर पार ब्रह्म में मिल जाएगी, उसमें नहीं मिल सकती, उसमें तो केवल तुम मिलने वाले हो, तुम उसकी अंश हो। तो क्या कहा कबीर साहब की आखिरी लाइन, फिर पढ़ दे एक बार। काय करिए सुनो धर मने, मानो वचन हमारा, पर्दा खोली मिलो सतगुरु से। अंदर है तुम्हारे वो सतगुरु, और वो क्या है, प्रकाश है और शब्द है, और तुम उसको देखने वाले और सुनने वाले हो, तब होगा कल्याण। फिर क्या कहते हैं आगे, पर्दा खोल मिलो सतगुरु से। पर्दा खोल मिलो सतगुरु से, आओ लोक द्वारा। काल के लोग में तुम पहुंच गए, काल की दुनिया से परे चले गए, तुम दयाल के साथ जा मिले। वो दयालु है, वो कृपालु है, वो सब कुछ वो ही है, वो हमारा मालिक है, वो सबका मालिक है, तो एक का मालिक नहीं, उसका कोई धर्म नहीं, उसकी कोई जाति नहीं, उसका कोई रूप नहीं, उसका कोई रंग नहीं, और उसका कोई नाम नहीं। और उसकी प्रशंसा श्री गुरु गोबिंद सिंह साहब जी ने अकाल उक्त में की है, पढ़ के देखो तुम्हें आंखें खुल जाएंगी। तो मैंने आज बहुत कुछ आप लोगों को कह दिया। मैं सच्चे दिल से चाहता हूँ कि जो वाणी आपने सुनी है कबीर साहब की, और जो मुझे मेरे सतगुरु ने दिया, मैंने आप में बांटने की कोशिश की है, ले लो, फायदा उठाओगे, तुम्हारा जीवन बदल जाएगा। मेरी सबको बहुत बहुत हार्दिक शुभकामना, और बार बार प्रेम से कहता हूँ तुम सुखी हो जाओ। राधा स्वामी, राधा स्वामी, राधा स्वामी, राधा स्वामी, राधा स्वामी।